हेलो फ्रेंड्स, मेरे विराट और स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वाटरमार्क वाले सॉफ्टवेयर का कैसे यूज़ किया जाता है और इनका यूज़ करने पर क्या यूट्यूब पर कॉपीराइट आता है या नहीं आता है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है मोबाइल सॉफ्टवेयर। तो मोबाइल सॉफ्टवेयर ज़्यादातर अपनी जो वीडियो एडिटिंग है उसको एक्सपोर्ट करते हैं यानी प्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, अपनी वीडियो पूरी तरीके से एडिटिंग हो जाती है उस सॉफ्टवेयर में, और जब हम लास्ट में जाते हैं वीडियो प्रोड्यूस करने तो बिल्कुल भी वीडियो प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ये उस सॉफ्टवेयर की मतलब ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि उसमें अगर जब तक आप सीरियल की नहीं खरीदेंगे या उस सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं करेंगे आपका वीडियो प्रोड्यूस नहीं होगा। हालांकि कुछ कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनकी वीडियो प्रोड्यूस हो जाती है लेकिन उस पर वाटरमार्क आता है। तो मोबाइल सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, आप उसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, इस पर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है। अगर आपका वीडियो किसी से मैच होता है तो उस वीडियो को ओनर जो है जिन्होंने वीडियो बनाई थी और आपने उसकी वीडियो कॉपी की तो वो आप पर कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। अन्यथा वीडियो सॉफ्टवेयर जिन पर वाटरमार्क आता है उससे यूट्यूब को कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी प्रकार के वीडियो सॉफ्टवेयर से वीडियो बनाइए और यूट्यूब पर अपलोड कीजिए। तो चलिए अब आगे डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे यूट्यूब के कॉपीराइट क्लेम के बारे में अगर बात की जाए तो इससे पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने तीन तरह के कॉपीराइट नोटिस के बारे में समझाया। पहला था कॉपीराइट क्लेम, दूसरा जो रेवेन्यू शेयर का आता है, और तीसरा कॉपीराइट स्ट्राइक। अगर आप इन्हें समझना चाहते हैं तो हमारे लास्ट वीडियो को आप देखिए और इन्हें समझ लीजिए कि किस तरह के कॉपीराइट नोटिस होते हैं। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं हम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कौन सा सॉफ्टवेयर जिस पर वाटरमार्क आता है और उस पर कॉपीराइट क्लेम आता है या नहीं, तो अब हम आपको बताने वाले हैं उन सॉफ्टवेयर के बारे में कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर पर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ कि यूट्यूब आपके वीडियो को स्कैन करता है और उसे देखता है कि वो किसी अन्य यानी अदर वीडियोस के कंटेंट से मैच तो नहीं हो रहा। अगर आपका वीडियो मैच होता है तो आप पर कॉपीराइट क्लेम किया जाता है यूट्यूब की तरफ से, ठीक है। अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर की, तो आप किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उस पर अगर वाटरमार्क आ रहा है, जैसे काइन मास्टर हुआ, पावर डायरेक्टर हुआ और AVS वीडियो एडिटर हुआ, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन पर वाटरमार्क आता है और इनसे आप अपनी वीडियो एडिट करते हैं। तो वीडियो एडिट करते समय अगर आप उसे एक्सपोर्ट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं अपनी वीडियो को, तो लास्ट में अगर आपने उस सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं किया है तो उसका वाटरमार्क आपके वीडियो पर आता है। अगर आपने सॉफ्टवेयर को परचेज किया है या उसकी की खरीदी है जिससे की रजिस्टर्ड की सॉफ्टवेयर आपके पास है तो आप वीडियो पर वाटरमार्क नहीं आएगा। तो ये सब बातें सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। अगर आप यूट्यूब पर इनके द्वारा बनाई गई वीडियो अपलोड करते हैं, अगर उस पर वाटरमार्क है तो यूट्यूब को इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका वाटरमार्क हो या नहीं हो, या आपके वीडियो क्वालिटी को बताता है कि आपने सॉफ्टवेयर परचेस किया है या नहीं परचेस किया है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके वीडियो पर वाटरमार्क नहीं आता और कई मतलब आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी रहती है, बीच में आपके वीडियो पर कोई भी मार्क या निशान नहीं रहता। ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपके वीडियो पर किसी भी अन्य कंपनी का वाटरमार्क नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको सॉफ्टवेयर परचेस करके चलाना चाहिए। जैसे कि बात की जाए कॉपीराइट क्लेम की, तो बिल्कुल भी अगर आपके सॉफ्टवेयर पर वाटरमार्क है उससे यूट्यूब को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज़ से वीडियो बना रहे हैं, किस सॉफ्टवेयर से वीडियो बना रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके सॉफ्टवेयर का वीडियो या आपने किसी का कॉपीराइट वीडियो बनाया है तो उससे अगर आपका वीडियो मैच खाता है तो आप पर कॉपीराइट क्लेम किया जाएगा, ना कि सॉफ्टवेयर का। आपके वीडियो कंटेंट के ऊपर आपको कॉपीराइट क्लेम किया जाएगा। सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके सॉफ्टवेयर के जरिए आपको कॉपीराइट किया जाएगा। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिन्हें अगर आप परचेस करते हैं तो ही आप उनके बारे में यूट्यूब पर बता सकते हैं। जैसे कि मैं एक FL स्टूडियो यूज़ करता हूँ। FL स्टूडियो इमेज लाइन का एक सॉफ्टवेयर है जिस पर बहुत ही कड़क निगरानी रखी जाती है। अगर उसके बारे में किसी ने यूट्यूब पर कुछ बताया है बिना परचेस किया हो तो तुरंत उसे स्ट्राइक दी जाती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है, बिना परचेस किए सॉफ्टवेयर के बारे में, पैराटेड सॉफ्टवेयर के बारे में वे बता देते हैं और अपने मतलब यूट्यूब चैनल पर उनके बारे में बता देते हैं बिना लाइसेंस की खरीदे या कोई भी उसे क्रैक कर उस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स देते हैं जो कि कानूनी गलत है। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। और रही वाटरमार्क की बात, तो आप बिल्कुल वाटरमार्क वाले सॉफ्टवेयर से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी का वीडियो मैच करते हैं या किसी का वीडियो कॉपी करते हैं तो उसके जरिए आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम किया जाएगा, वो भी उस ओनर के जरिए जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। जिसके देखा देखा आपने वीडियो ने उस ओनर को हक है कि आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम करे, अन्यथा वाटरमार्क वाले सॉफ्टवेयर से यूट्यूब को कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपकी
खुद की वीडियो क्वालिटी के लिए आपको समझना चाहिए कि मुझे वाटरमार्क वाला सॉफ्टवेयर चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। आपके वीडियो पर किसी भी वीडियो एडिटर का नाम आइए, आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं कि वाटरमार्क वाला सॉफ्टवेयर पर कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा। आप चाहे जैसे अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं। हाँ, किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर के बारे में बताने से पहले आपको उससे परमिशन लेनी चाहिए और उसकी जो गाइडलाइंस है उसे पूरी करनी चाहिए, यानी उनके अंडर रूल रहना चाहिए आपको। ठीक है, यही जानकारी आज की वीडियो में आपको देनी थी कि आपको वाटरमार्क वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करने से क्या क्या होगा। तो आप बिल्कुल वाटरमार्क वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए। अगर आप नहीं चाहते कि आपके वीडियो पर कोई भी कंपनी का नाम आए या किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम आए, तो आप उसे परचेज़ कर लीजिए। बिल्कुल भी आपके वीडियो पर फिर उस सॉफ्टवेयर का नाम नहीं आएगा, ना ही इसका वाटरमार्क आएगा। तो ये जानकारी रखना आपको बहुत ज़रूरी है, और किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में बताने से पहले उसकी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।